आएगा। अन्ना मुझे बहुत कंटल आ रहा है, चलो ना लंगड़ी खेलते। अरे यहाँ पाँव जमीन पर रख नहीं पा रहा हूँ, और ना तो लंगड़ी में एक पैर हवा में ही रखना पड़ता है मालूम। आएगा, बहुत दर्द हो रहा है। देखो खेल तो रहे हो आप लंगड़ी। ए बंडिया, मंदर, मेनका, उज्ज्वला, आ जाओ, हम लोग लंगड़ी खेलते हैं। अन्ना दाव दे रहे। रुक, सबसे पहले तुझे ही पकड़ता हूँ मैं। पकड़े पकड़े। अरे पकड़े, चल चल पकड़े। आहो, आराम से। आहो आहो आहो। ये देखो। आहो 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 आहो। ये पंजाबी जोचना है हमारी। अन्ना, इससे अच्छा कुछ और खेलते हैं ना? हाँ बाबा, दमशराज खेलते हैं। चलो चलो वही खेलते हैं। देवा 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 देवा, अंग्रेजी गेम। अरे वो अंग्रेजों ने हम मराठी लोगों से चुराया है वो खेल। अंग्रेज जब भारत में पहुंचे भी नहीं थे ना, तभी हम लोग मराठी लोग खेलते थे वो डम्ब सूरज। ये लो, फिर से एग्जीबिशन शुरू। ओ महेंद्र बाबू, कल रात को आपकी दुकान में बारिश बारिश गिरी थी क्या? दादा केशव, महादेव पेट में बारिश क्या पता पूछ के बरसती है? कि नहीं, आज गोखले बंधु में नहीं, गायत्री स्नैक्स एंड स्वीट्स में जाके बरसती हूँ। क्या अभी केसर भाई? ये तो आपने आपकी बाकरवड़ी फिर से धूप में सुखाने रखी ना, इसीलिए पूछ रहा हूँ। केशव तुझे तो पता है ना कि हमने भाखरवड़ी टेस्टिंग का कार्यक्रम रखा हुआ है, ये उसका दूसरा चरण है। हाँ, सब ग्राहक आएंगे, भाखरवड़ी चखेंगे, और वो न्यूज चैनल वाले आने वाले हैं ना, तो उनको अपनी वो देंगे, वो अपना क्या बोलते, अपनी वो ओपिनियन को क्या बोलते, वो ऐश्वर्या देंगे। राय देंगे, राय राय। हाँ, न्यूज चैनल वाले। हाँ, मैंने बंदोबस्त किया न्यूज चैनल वालों का, माँ कसम। एक्सक्यूज मी, आपकी बाकरवड़ी रिटर्न करनी है। रिटर्न? है रिटर्न? हाँ रिटर्न, क्योंकि आज इसमें कुछ भी स्वाद नहीं है। क्या रिटर्न लिखा है ना यहाँ पे साफ साफ, एक बार दिया हुआ सम्मान और बेचा हुआ सामान वापस नहीं लेते। आप खुद ही चख के देखिए, चखिए ना। हो सकता है आज वो अन्ना ने जल्दी जल्दी में बनाया ना, इसलिए ठीक से नहीं बना मसाला तो। नहीं, ठीक बनी है वैसे, अच्छी बनी है। तो आप खुद रख लीजिए, और पैसे नहीं दे रहे कोई बात नहीं। अरे अन्ना, भारती वहिनी को भी बुला लेते, अपनी इशारा क्वीन। अरे हाँ, ए भारती, ए भारती, अरे लव करिए बाड़ा, वो डम्ब सूरज खेल रहे हैं। नहीं अन्ना, मुझे नहीं खेलना। अरे का झालं, क्या हुआ मेरी छकुली को? हाँ, रो क्यों रही है? भारती बाहर आ, बड़ा बाहर आ। नहीं सासू भाई, कुछ नहीं। हाँ कुछ नहीं, क्या कुछ नहीं? मैंने डाटा इसलिए क्या? अरे तो तू मेरा दिमाग खाएगी, मुझे परेशान करेगी, तो मैं तो डांटूंगा ना बाड़ा। अन्ना मैं तो खुशी से रोई। इब, अरे डांट खाने पर खुशी मिलती है तुझे? नहीं नहीं, वो डांट खाने के बाद अपने प्यार से बुलाया ना, तो बचपन का लड़कपन याद आया। हमारे घर में हम 9 भाई बहन एक खोली में, बाबा रिक्शा चलाने के दिन रात, और माँ चिक्की के कारखाने में चिक्की बनाने की सुबह शाम। बचपन का लड़कपन परवड़ता नहीं था अन्ना। ए भारती, ए बाड़ा, बस बस बस। माँ बाबा ने कहा था, भारती ससुराल जाएगी तो लड़कपन मायके में छोड़ जाना। मैं कितनी किस्मत वाली, मुझे लड़कपन उल्टा ससुराल में आके मिला।
सांस ऐसी कि माथा चूमती है और ससुर सिर पर हाथ रखकर खेलने बुलाते हैं। ऐसा लगता है कि छाव मिल गई, ममता भी, तभी तो मैंने आपकी दाँत खाई और मुझे मजा आया। वो देखो प्रश्नेश्वरी, प्रश्न चिन्ह देखो उसके चेहरे पे, हाँ ऐसी बड़ी बड़ी आंखें चमक रही है, वो खटारे के हेडलाइट के माफिक। पूछ ले बाड़ा, पूछ ले तू इशारे का मतलब, पूछ ले। वही नहीं, डांट खाई का इशारा, ऐसे कैसे? ये खाई का इशारा था निर्मिती, खाई गहरी तो होती है ना। गिरने वाली खाई, ओ पहाड़ वाली खाई है। अग बाई 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 बाई। ये देखो, अरे हम सब मराठियों को हंसी आ रही है, तभी इस गुजराती को रोना आ रहा है। क्या जाला बाड़ा? हाँ क्या हो गया छे? कल वो मेरा ना हमेशा से सपना था, मेरा भी इस तरह का बड़ा सा परिवार हो, जहाँ पे माँ बाप, देवरानी जेठानी, भाई बहन, सब लोग इसी तरह मिलकर खेले, दुख सुख बांटे, खाए पिए। बस इसलिए। गायत्री, अभिषेक कुआ रहा है, तू उससे शादी कर ले तो तू भी इस घर की बहू बन जाएगी। ए, ए, कपड़े बुद्धि सागर। मैं क्या कुछ भी बोलता है हा? अरे महेंद्र भाऊ, गायत्री की शादी तो विदेश में कराएंगे, विदेश में किसी बहुत ही श्रीमंत बड़े से गुजराती वैष्णव कुटुंब में। कितना कितना नसीब वाला होगा वो कुटुंब, है कि नहीं, बोलो। हाँ अंकल को मैं चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना लगूं, पर एक गुजराती लड़की इस घर की कोकणस्थ ब्राह्मण बहू की जगह कभी नहीं ले पाएगी। गायत्री तो हमारे कोकणस्थ ब्राह्मण लड़कियों से भी ज्यादा गुणी है शायद, लेकिन इसे तो राजमहल मिलेगा, राजमहल। मेरा ये वाड़ा, मेरा ये सीधा साधा परिवार इसके लायक कहाँ। पुणे प्रथम न्यूज में आज हम सुबह सुबह पहुंचे हैं गायत्री स्नैक्स एंड स्वीट। तो बताइए कौन कौन सी भाकरवड़ी आपको अच्छी लगी? मैं ट्राई करूं? हाँ, क्योंकि गोगले बंदूक का टच तो चला गया है, अभी ट्राई करके आया उनकी दुकान पे। एक मिनट, एक मिनट, जैन भाव ये सब मत दिखाइए टीवी पे प्लीज। वो दुकान भी हमारी ही है, अभी एक आध दिन अन्ना भाई की तबीयत थोड़ी ढीली हो गई तो बन गई 19-20, उसमें क्या है? ओ, ओ, उर्मिला वहिनी, क्या 19-20 क्या? हाँ, इस तरह आप हमको नीचा मत दिखाइए न्यूज कैमरे के सामने। हाय हाय, मैंने कब नीचा दिखाया है कौशल भाई? हाँ, अरे उल्टा प्रभाकर बोला कि आज मसाला जल्दी जल्दी में ठीक से नहीं बना है। हाँ। ए, लेकिन मैं क्या बोलती हूँ महेंद्र, हाँ? वो दिवाकर भाई का नाम प्रभाकर है कि विभाकर है? सुधाकर। तो फिर आपने वाड़ेकर कह के क्यों बुलाया उनको? क्योंकि उसका एक्चुअल नाम काटेकर है। तो चुप रहने भाई अवे। हाँ, कहाँ थे आप? ओ, रिटर्न वाले भाई साहब, आप हमारी भाखरवड़ी चख के उसकी राय दीजिए ना। झगास महेंद्र भाऊ, झगास, ऐसे होता है मार्केटिंग। अरे मैं तो इस दुकान का नाम भी ना बच्चे बच्चे की जुबान पे चढ़ा सकता हूँ, लेकिन मुझे अपनाओ तो सही, जैसे इन लोगों ने मुझे अपनाया है वैसे। दे दे पिक्चर का नाम, दे जल्दी जल्दी दे। बाजीराव मस्तानी। पापी गुड़िया, पापी गुड़िया। अरे अरे तुम लोग है ना, डांस वाले पिक्चर का नाम देते हो ना, वो फटक से बता देती है। अरे कोई मुश्किल वाला नाम दो तुम लोग। उज्ज्वला दे, तू मुश्किल वाला नाम दे मस्त पैकी।
देवदास। जाने दुश्मन। डोला रे डोला। देवदास, देवदास, देवदास। बरोबर बरोबर एकदम। अरे उज्ज्वला फिर से डांस वाले पिक्चर का नाम दिया। अरे आप ही कोई ऐसा नाम देना जिसमें डांस बिन्स हो ही नहीं। ओके भाई भाई। डांस की महारानी अभी करो इशारा। लगन लगन रानी मुखर्जी ब्लैक ब्लैक बराबर आगो भाई कर लो। क्या रे तुम लोग, इनकी बात तो सही है केशव दादा, हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा। हमें सिर्फ ये पब्लिसिटी मीडिया नहीं, हमारी गुणवत्ता का इश्तेहार भी करना होगा। इश्तेहार? हाँ। अरे हमारे अन्ना कभी मानेंगे ही नहीं। मैं मनाऊंगा, हम सब मिलके मनाएंगे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। हाँ तो लिखूंगा मैं। हाँ। अरे हो ठीक है। हाँ तो सुनो, भाकरवड़ी खारी होती है क्योंकि होता है उसमें नमक। समंदर खारा होता है क्योंकि होता है उसमें नमक। ये शुरू हो गए तो भाकरवड़ी समंदर एक हुए, उर्मिला महेंद्र एक हुए। ये इश्तिहार पढ़ के लोग उर्मिला और महेंद्र को खरीदने जाएंगे। कैसे दिया महेंद्र, उनको खरीदो उनकी दुकान में जाएंगे तो उनके साथ साथ उनकी भाकरवड़ी भी खरीदेंगे। प्रभाकर दादा हमारे इश्तिहार में उनका नाम क्यों लिखा? अरे पर भाकरवड़ी तो लिखा है। गबरा अभिषेक, मेरे पास एक मस्त आइडिया है अन्ना को समझाने का। हम उनके ही मुझे बुलवाएंगे ना धीरे धीरे एक एक करके कि हमें बदलाव लाना है। ऐसा लगना चाहिए कि ये आइडिया उनका ही है। केशव दादा आपकी ये बात मुझे पते की लगी। बस फिर सब ठीक हो जाएगा, मेरे इशारे पे चलो। अरे बाबा दुआ करो, ऊपर वाले से दुआ करो कि हमारे बेचारे अन्ना के पैर 2 महीने तक ठीक ना हो। वाजब अन्ना अन्ना। अरे अरे बस 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 गायत्री तू दे मुझे पिक्चर का नाम। हाँ अच्छा मुश्किल वाला देना। हाँ तो और वो इशारे की जगह होनी चाहिए उस नाम में। जो जीता वही सिकंदर। जो जीता वही सिकंदर। अरे ये क्या, ये सिकंदर बिकंदर। अरे वो विदेशी था, भारत पे कब्जा किया था उसने। ऐसे वाले नाम वाले पिक्चर मत दे औरंगजेब रावण, ऐसे कुछ भी होना नहीं चाहिए पिक्चर के नाम में। हा? अच्छा वाला दे। मुझे कुछ कहना है। हाँ वो बाद में कहना, पहले पिक्चर का नाम दे। ये पिक्चर का ही नाम है लेकिन मैंने तो नहीं सुना कभी। तो ये ऐसा वाला नहीं चलेगा, दूसरा वाला दे। उमराव जान। हाँ वो तो वो बेचारी तवायफ थी ना उसमें, लेकिन क्या है ये बच्चे लोग तवायफ का मतलब मतलब पूछेंगे तो वो योग्य नहीं होगा। अरे पारिवारिक पिक्चर का नाम देना जैसे कि हम आपके है कौन, वैसा वाला। भाई तू हम साथ साथ है। वो कहा हम आपके है कौन के जैसी थी, वो दोनों की कहानी अलग अलग है रे बाड़ा। तू ना मुझे हम आपके है कौन ही दे दे, वो उसकी कहानी हम आपके है कौन के जैसी थी। हाँ तो अभी दे हम आपके है कौन। हाँ हो गया, जा जा तू अभी जा। अन्ना कितने शब्द की पिक्चर है। अरे शब्द विब्द छोड़, भारती की तरह मैं भी नृत्य करके दिखाता हूँ। रुक रुक ये देखो। बरबर बरबर माधुरी दीक्षित। माधुरी दीक्षित अभी दूसरी नायिका का इशारा। अहो ऐसे बात नहीं कर सकते। अभी दूसरी नायिका का अभिनय। हाँ रेणु का शाने। बरोबर रेणु का शाने।
टीचर। हम आपके हैं कौन? हम आपके हैं कौन? वाह 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 वाह। देखा, इसे कहते हैं मराठी इशारा। माधुरी दीक्षित, रेणुका शाहणे, दोनों हमारी कोकणस्थ ब्राह्मण लड़कियां, तभी तो पिक्चर इतनी अप्रतिम बनी। जो ना, हमारे अभिषेक के लिए भी मैंने एक अप्रतिम लड़की ढूंढ निकाली है। कौन ये? इसकी सहेली। अरे अभिषेक की स्कूल की मैत्री अनिमेश बापट की बेटी प्राजक्ता, नृत्य निर्देशिका। हाँ, मस्त है। हाँ, फिर तो वो सबको अपने इशारे पे नचाएगी अन्ना। हाँ गायत्री, तुझे कैसा लगा सुझाव? तू अभिषेक को समझाना कि वो प्राजक्ता उसके लिए सर्वोत्तम लड़की है। अगर तूने उन दोनों की जोड़ी जमा देना गायत्री, मैं सच में कहता हूँ, मैं हमेशा तेरा एहसान मंद रहूंगा। हाँ, करेगी ना बाड़ा? शाबाश प्राजक्ता। ये 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 ट्राई कीजिए, है ना? आप कचौड़ी भी ट्राई कीजिए। हाँ, कौन बार बार फोन कर रहा है तुझे? दुकान में इतनी भीड़ है, काम पे ध्यान देना उर्मिला, फोन रख साइड में। हाँ। हेलो। हाँ, रॉन्ग नंबर। हाँ, रॉन्ग नंबर है तो फिर छुप छुप के क्यों काट रही है? हाँ? उर्मिला, सच सच बता, ता तेरा फोन दे। हेलो, मम्मी का फोन है महेंद्र, मेरी मम्मी का फोन है। हाँ मम्मी, तुझे बोला ना पहुंच गया। कौन पहुंच गया? पार्सल। पार्सल पहुंच गया। हाँ मम्मी, पार्सल पहुंच गया। अभी रख दे फोन, चल भाई। पार्सल? तेरी माँ ने पार्सल भेजा है? अक्षय तृतीया, आपका बर्थडे आ रहा है ना, तो आपके लिए तोहफा भेजा है। ओह, मेरे लिए तोहफा भेजा है? वाह, शादी के बाद जब मैंने पैर छुए थे तब 80 साल जीना दामाद जी, ऐसा बोली थी वो। अरे आशीर्वाद जिसके मुंह से नहीं छूटते वो मेरे लिए तोहफा भेजेगी? बस हाँ बस, अभी हम राजकोट गए थे तभी वहाँ पहुँचते ही मेरी माँ ने आपके हाथ में 1000 रुपए नहीं दिए थे? हाँ दिए थे, मैंने 2000 के छुट्टे मांगे तो 2000 की नोट लेके 1000 रुपए वापस दिए थे, और वो भी 2 500-500 की फटी हुई नोट। उर्मिला सच सच बता, क्या भेजा है तेरी माँ ने? एक्सक्यूज मी, मुझे 6 बॉक्स भाकरवाड़ी चाहिए, 3 अलग अलग फ्लेवर में। 6 बॉक्स महेंद्र? 6 बॉक्स चाहिए उनको भाकरवाड़ी के? लगता है शाम तक सारी भाकरवाड़ी खत्म हो जाएगी दुकान में से। हाँ हाँ, आई 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 आई। सच पता चलेगा तो हमारी फैमिली लाइफ भी खत्म हो जाएगी। आफत भेजती है मेरी माँ ने, आफत। ए, देखा देखा कितना नुकसान होने वाला था, ये इनकी वजह से। गायत्री स्ट्रीट में जाओ, गायत्री स्ट्रीट में जाओ। सुनो, अन्ना के सामने किसे क्या बोलना याद है ना? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, क्या बोलेंगे जरा बताइए। पहले तो हम कहेंगे कि देखो देखो, पहली बार 5 किलो भाकरवड़ी बची है दुकान पे, देखो। ओ दादा, हलू हलू। प्रभाकर पाटेकर, कहा है देखो, मस्त मस्त। तो फिर टिफिन में हम आपके लिए क्या लाए, कांजी या सूप? हॉस्पिटल के आईसीयू में। हॉस्पिटल के आईसीयू में दादा? हाँ, क्योंकि आपके ये मनुष्य समाचार सुन के अन्ना सबसे पहले आपका मुंह फोड़ देगी।
फिर आपको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा, तो हॉस्पिटल वाले आपके मुंह पे प्लास्टर मारेंगे, फिर आप बोलोगे मुझे भूख लगी है, तो हम वो प्लास्टर में खिला मार के भूख बनाएंगे, फिर उसमें हम स्ट्रॉ डालेंगे, फिर हम क्या पिलाएंगे, कांजी या सूप? नहीं नहीं कांजी नहीं। ओ दादा काय, मतलब नहीं नहीं जाने दे। इसे घर पे जाके छुपाते हैं, कल मौका देख के रफा दफा कर देंगे। ठीक है, करेक्ट है। लेकिन मेरी बात सुन, अभी हमें अन्ना के सामने छोटा सा बॉम्ब गिराना है कि आज पब्लिक को बाकरवड़ी का मसाला ठीक नहीं लगा। कर लो प्रभाकर दादा। हाँ ठीक है ठीक है, लेकिन मुझे बोलना क्या है? मैं समझाता हूँ, अन्ना के सामने जाना और उनसे कहना, अन्ना अन्ना आज बाकरवड़ी का मसाला ठीक नहीं बना था, अन्ना नहीं बना बाकरवड़ी का मसाला ठीक ठीक अन्ना। ओ ओ ओ केशव दादा, काय इतनी ओवर एक्टिंग नहीं करनी हमें, मैंने बताया ना आपको। ये ओवर एक्टिंग अच्छी तो है। क्या अच्छी थी एक्टिंग? सुनो, हम शांति से बात छेड़ेंगे। हाँ हाँ, अन्ना के सामने किसे किस तरह क्या बोलना है वो हम प्रैक्टिस कर लेंगे। हाँ। लेकिन अन्ना के मुंह से तो ये बुलवाना ही है कि दुकान में बाकरवड़ी की वैरायटी होनी चाहिए, ये आइडिया उनके मुंह से ही निकलवा के रहेंगे।